हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करती हैं। अब ये जो इनपुट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इट मे बी इन द टेक्स्ट फॉर्म, किसी ग्राफिक्स की फॉर्म में, या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स की फॉर्म में, या वॉइस की फॉर्म में। तो जिस भी तरीके की इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको अगर हम ध्यान में रखें तो इनपुट डिवाइसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो तीन कैटेगरीज इनपुट डिवाइसेस की हैं वो हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस, सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस एंड ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस की। ये वे डिवाइसेस होती हैं जो रियल टाइम प्रोसेसिंग में काम करती हैं। रियल टाइम का मतलब जैसे ही हमने इनपुट प्रोवाइड की साथ के साथ हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इसे और अच्छे से डिस्कस करने के लिए तो ये सब डिवाइसेस ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डंब टर्मिनल्स की। ये ऐसे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसमें एक कीबोर्ड और एक मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड से हम लोग डायरेक्टली जो भी इनपुट देनी है टेक्स्ट की फॉर्म में, अल्फान्यूमेरिक कीज़ की फॉर्म में जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो डायरेक्टली मॉनिटर पर शो होती है और डायरेक्टली वो सर्वर पर चली जाती है। क्योंकि ये एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस है तो इसमें डम टर्मिनल्स में स्टोरेज का कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसमें स्टोरेज नहीं किया जाता, डाटा को स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है उसमें कीबोर्ड और माउस के साथ साथ स्टोरेज भी की जा सकती है। जो डाटा हम सर्वर को दे रहे हैं ऑनलाइन उसको इनपुट देने के साथ साथ हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज़ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि आजकल हम सब ने देखा है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसमें हम कई बार कुछ ऐसा लॉक करते हैं कि जो हमारी वॉइस के साथ ही ओपन होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम कुछ बोलते हैं कंप्यूटर के या अपने मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन में, तो जो हमारी वॉइस है उसे डिजिटल फॉर्मेट में वो चेंज हो जाती है। और अगर वो वॉइस जो कंप्यूटर के अंदर हमारी स्टोर्ड वॉइस है जिसे वोकैबुलरी बोला जाता है उसके साथ अगर वो मैच हो जाती है तो हमारे सिस्टम का जो लॉक है वो खुल जाता है। इसी तरीके से हमने कई बार गूगल में भी देखा है या हम कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो साथ के साथ हम बिना टाइप किए अपनी इनपुट अपने सिस्टम को दे सकते हैं। नेक्स्ट है टच टोन टर्मिनल। इस टर्मिनल में जैसे हमारी आजकल जो हम कंप्यूटर स्क्रीन्स देखते हैं जिसमें हमें अगर इनपुट देनी है या किसी भी डाटा को लिखना है या कुछ भी, तो हम विद द हेल्प ऑफ टच हम एक इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन्स जिसमें सारा का सारा काम जो है वो टच की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक बहुत ही बेसिक इनपुट डिवाइस है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है। माउस जो है वो एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसके दोनों साइड पे राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक दो बटन्स होते हैं। जो राइट साइड पे है उसे राइट क्लिक बोलते हैं और जो लेफ्ट साइड पे है उसे लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। बीच में एक स्क्रॉल होता है जिसकी हेल्प से हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और जो माउस है उसके बिल्कुल नीचे एक सेंसर होता है, एक बॉल होती है, जैसे जैसे वो बेस को टच करती है सेंसर्स करती है उसी तरीके से हमारा कर्सर जो है वो पेपर के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर मूव करता है। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड बेसिक, बिल्कुल बेसिक और सबसे पहली इनपुट डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कीबोर्ड। जो बेसिकली हमारा कीबोर्ड है उसमें 104 कीज़ होती हैं और इसमें बहुत अलग अलग तरीके की कीज़, जैसे कि फंक्शन कीज़, अल्फाबेटिक कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल करेक्टर्स, कंट्रोल्स एंड एक जो राइट साइड है उस पर एक न्यूमेरिक कीपैड भी दिया जाता है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं सोर्स डाटा इनपुट की। सोर्स डाटा का मतलब ऐसे इनपुट डिवाइसेस जिसमें हमें सोर्स प्रोवाइड किया करना पड़ता है सिस्टम को। फॉर एग्जांपल
तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो हैं सोर्स डाटा इनपुट के। सोर्स डाटा का मतलब जिस इनपुट डिवाइसेस में हमें सोर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्कैनर, सबसे पहली इनपुट डिवाइस जो कि सोर्स के थ्रू दी जाती है दैट इज़ स्कैनर। स्कैनर नॉर्मली एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि जो स्कैनर है वो एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। वो कैसे, जैसे ही हम किसी स्कैनर में एक पेपर रखते हैं तो वो जो उसकी जो भी उसका इमेज होती है उसको कैप्चर करके उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज कर, डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है, जिससे वो जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देने लगती है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट सोर्स डाटा इनपुट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ये जो डिवाइस है ये मैक्सिमम आंसर शीट्स या जो एग्जामिनेशंस में हम लोग OMR शीट्स यूज़ करते हैं, ये डिवाइस उनको स्कैन करने के लिए यूज़ होती है। ये स्पेशल टाइप की डिवाइस होती है जो OMR शीट्स पे पेन या पेंसिल से जो मार्क्स लगे हुए होते हैं उनको डिटेक्ट करके उसके बाद ये इनपुट सिस्टम को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस MICR, इसका मतलब है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं ये एक छोटा सा स्कैनर है जो स्पेशल टाइप की जो चेक बुक्स होती हैं, जो बैंक्स में यूज़ होती हैं चेक बुक्स, उसमें एक 6 डिजिट का स्पेशल नंबर होता है, वो एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है। तो ये जो MICR डिवाइस है ये उस चेक के नंबर्स को रीड करके उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है OBR, OBR का मतलब है ऑप्टिकल बार रीडर, इसे हम बार कोड रीडर भी कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई भी गुड्स लेते हैं तो उसके पीछे उसका जो प्राइस होता है वो एक बार की फॉर्म्स में लिखा होता है, उसे रीड करने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है जिसे हम हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोल सकते हैं। और वो जो स्कैनर है उससे एक लेज़र लाइट उस बार पे पड़ती है और वो उस लेज़र लाइट के थ्रू जो हमारा सिस्टम है उस कोड को स्कैन करके उसे अपनी फॉर्म में चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है OCR, OCR भी OBR की तरह ही एक स्कैनर है जो कि करेक्टर बाय करेक्टर उसको स्कैन करता है। नेक्स्ट इज लाइट पेन, जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल कई कंप्यूटर सिस्टम्स में लाइट पेन का यूज़ होता है। लाइट पेन जो है वो हमारी कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ भी लिखने के लिए यानी कि इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक यूज़ की जाती है और जो स्टिक है उसके दोनों एंड्स पे स्फेरिकल बॉल्स का यूज़ किया जाता है। और ये बॉल, ये जो जॉयस्टिक है ये बेस से तो अटैच होती है लेकिन ये ऐसे एक एंड पर चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। इसका बेसिक एग्जांपल है वीडियो गेम्स वगैरह, जिस जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं या जो कार में गियर होता है वो भी हमारा एक जॉयस्टिक का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस की। ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस का मतलब ऐसे इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को ऑफलाइन इनपुट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई डाटा है जो कि एक CD में है या किसी पेन ड्राइव में है या DVD में है, यानी कि किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव है, अगर हमें वो डाटा कंप्यूटर को देना है तो वो अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उन डिवाइसेस को ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो डाटा जो प्रोसेस हो चुका है उसे आउट करने का काम करती हैं। तो बेसिकली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो दो तरीके की होती हैं। प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। प्रिंटर्स ऐसी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का काम करती हैं। प्रिंटर भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। प्रिंटर्स के जो दो टाइप्स हैं वो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें जो रिबन है वो पेपर के साथ टच होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो पेपर के साथ रिबन है वो टच नहीं होता, वो किसी न्यू टेक्नोलॉजी से ही उसका जो है वो प्रिंट आउट निकलता है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो आजकल जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी लैब्स में,
और वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंडर ही आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी दो तरीके के होते हैं। लेज़र प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स एक टाइम में पूरे के पूरे पेज को प्रिंट कर लेते हैं। बेसिकली इंकजेट प्रिंटर भी वही करते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में वो यह है कि जो लेज़र प्रिंटर है वो लेज़र लाइट की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं ये छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ इंक्स को पेपर पे स्प्रेड करके उसके बाद प्रिंटिंग इसमें की जाती है। अब हम बात करते हैं प्लॉटर्स की। लाइक प्रिंटर्स, प्लॉटर्स भी आउटपुट डिवाइसेस ही होती हैं, और प्लॉटर्स का साइज़ जो है वो प्रिंटर्स के कंपैरिजन में बड़ा भी होता है, और प्लॉटर्स प्रिंटर्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो प्लॉटर्स के भी दो टाइप्स हैं। पहला है ड्रम प्लॉटर एंड सेकेंड इज फ्लैट बेड प्लॉटर। जो ड्रम प्लॉटर है उसमें जो पेपर है जिसपे हमें प्रिंट आउट चाहिए उसे रोटेट करके ड्रम के अराउंड उसको रोटेट किया जाता है, और जैसे जैसे वो पेपर रोटेट होता है उसी उसी तरीके से उस पर इमेज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। जो फ्लैट बेड प्लॉटर हैं उसके अंदर जो एक पेपर है उसे एक बारी में ही पूरी स्क्रीन पे रखा जाता है, पेपर स्टेशनरी रहता है, लेकिन जो पेन है वो मूव करता है टू ड्रॉ द इमेजेस विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस।